हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुम्बुल सिद्दीकी और आज आपसे बात करूंगी एनपीके। क्या है ये एनपीके? एनपीके फर्टिलाइज़र, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूं कि अपने तमाम प्लांट्स में मैं डालती हूं। लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये, और ये आपके जो है ना, ये मैं आपको भी दिखाती हूं, ये आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये इस कंपनी का आप ले लें किसी भी गार्डनर शॉप से, आपको नज़र आ रहा होगा। और इसको डालें और फिर उसका रिज़ल्ट देखें कितना अच्छा है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, मैं आपको इसका भी दिखाऊंगी। पाउडर फॉर्म में होता है, किसी भी रंग में मिल जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे लेके इसको गुड़ाई कर लें, मतलब इसको डालें आप, ये अभी थोड़ा सा दूर है मिट्टी में, और इसको स्प्रिंकल करें छिड़क के पूरा, और इस तरह का गुड़ाई कर लें इसको, एक दो चुटकी, ज़्यादा नहीं। और आप चाहते हैं कि अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो इसके लिए ये बॉटल ले लीजिए। ये बॉटल है, ये आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह की एक बॉटल ले लें और इस पर स्प्रे करें, जैसे मैंने भी किया हुआ है। ये ड्रेसीना है मेरा, ये सीढ़ियों पे रखा हुआ था, ख़राब हो रहा था, तो इसको मैंने उठवाया है माली से आज, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक था, ये ख़राब हो गया मेरा सारा। तो फिर मैंने इसको अभी धूप की वजह से बचाने के लिए इसको ऊपर रखा है। तो ये आप स्प्रे कर सकते हैं, मैं आपको अभी थोड़ा सा करके भी दिखाती हूँ अगर इसमें हुआ तो, क्योंकि मैं काफ़ी देर से कर रही थी इसको। तो ये देखें, ये हो रहा है आराम से, ये देखें हो रहा है ना। तो इसको चारों तरफ मनी प्लांट में, फूलों वालों में, फूल वाले जो होते हैं, फल वाले, उसका एनपीके का रेशो तब्दील हो जाता है। तो उसमें 20-20-20 नहीं डालते आप, उसमें आप डालते हैं 5-15-45, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो आप किसी भी गार्डनर शॉप से भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी गार्डनर शॉप सब खुल गई हैं, कोई अब ऐसा इशू नहीं रहा कि चीज़ें नहीं मिल रही। लेकिन ये कि मिल जाती हैं थोड़ी मुश्किल से, अगर आपको नहीं भी पता तो आप इस तरह से इसको डाल सकते हैं स्प्रे, हर हफ्ते करें इसका स्प्रे। मनी प्लांट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ये छोटी सी आपसे मालूमात मैंने शेयर की। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।